बसपा प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सुनवाते हैं आपको। मीडिया मत को, देश की जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है, जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही इनके मद का सरकारी पैसा भी अधिकांश दूसरे मदों पर ही खर्च कर दिया गया है। इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इनको आरक्षण व अन्य जरूरी सुविधाओं का भी पूरा लाभ नहीं दिया है, ताकि ये लोग आर्थिक तौर पर हमेशा दूसरों के ऊपर ही निर्भर बने रहे, जिससे दुखी होकर फिर बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी केंद्र की रही सरकार से अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था और फिर इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर माननीय श्री कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की, जिसको कमजोर व खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और अब तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम व कमजोर करने के लिए माननीय श्री कांशीराम जी को CIA का एजेंट तक भी बता दिया था और अब इन्हीं के ही चिन्हों पर चलकर इनका बेटा श्री राहुल गांधी भी बीएसपी व इस पार्टी की मुखिया पर आए दिन बीजेपी के साथ मिलने का ये कहकर गलत आरोप लगाते रहते हैं कि बीएसपी की मुखिया बीजेपी की CBI, ED व इनकम टैक्स आदि से डरती है, इसलिए वह बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नरम रुख रखती है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इन सबसे जुड़े मामले हमने केंद्र में रही किसी भी पार्टी की सरकार की मदद से नहीं बल्कि सभी सरकारों के खिलाफ जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे CM बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे
बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के घातक नतीजों पर हर विपक्षी पार्टियों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए, किंतु ऐसी तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी व उसके नेतृत्व के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले सौ बार सोच समझ कर लेना चाहिए। कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले कि बीजेपी से लोहा लेने के मामले में उसका अब तक अपना रिकॉर्ड क्या रहा है कांग्रेस पार्टी का। साथ ही बीएसपी व उसके नेतृत्व के साथ कदम कदम पर राजनीतिक षड्यंत्र दगा व खासकर मध्य प्रदेश व राजस्थान आदि राज्यों में बार बार विश्वासघात किए जाने आदि को थोड़ी देर के लिए भुला भी दिया जाए तो भी बीजेपी के विरुद्ध राजनीतिक लड़ाई लड़ने में कांग्रेस का अपना रिकॉर्ड हमेशा काफी लचर बट ढुलमुल ही रहा है। अर्थात कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए व सत्ता से बाहर हो जाने के लंबे समय बाद अब तक बीजेपी व आरएसएस कंपनी से जी जान से लड़ते हुए हमें कहीं भी नजर नहीं आती है। जबकि बीजेपी एंड कंपनी के लोग साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे अपनाकर भारत को कांग्रेस मुक्ति ही नहीं बल्कि विपक्ष विहीन बनाकर पंचायत से संसद तक चीन जैसा ही एक पार्टी सिस्टम बनाकर देश के लोकतंत्र व इसके संविधान को ही खत्म कर देने पर आत्म लगती है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के बारे में भी हमारे लोग ये बात काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सन 2007 में बीएसपी की युति में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो तब उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें जातिगत द्वेष की भावना से मेरी सरकार के केंद्र से जुड़े ज़्यादातर कार्य रोक दिए थे और उसी दौरान कोर्ट का अयोध्या को लेकर फैसला आना था तो इन्होंने केंद्र से हमें फोर्स तक भी नहीं दिया था ताकि प्रदेश के हालात बिगड़ जाए और फिर इसकी आड़ में यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी या अपनी हुकूमत चलाती रही। ये इनकी मंशा थी उस समय, जिसमें भी ये पार्टी पूरी तरह से विफल रही। इतना ही नहीं बल्कि खुद श्री राहुल गांधी ने भी उस समय आए दिन यहाँ यूपी में मेरी सरकार को जबरदस्ती बदनाम करने के लिए कभी पैदल मार्च किया, आप लोगों को मालूम है जब मेरी सरकार थी कभी पैदल मार्च किया तो कभी धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया, लेकिन यहाँ दूसरी पार्टियों की रही सरकारों में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहती हूँ कि इनको हमारी पार्टी के बारे में कुछ भी कहने से पहले केवल अपना खुद का घर भी जरूर देख लेना चाहिए जो बिखरा पड़ा है, जिसका बीजेपी भी खूब फायदा उठा रही है। अर्थात इनको दूसरों की चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ये मेरी इनको सलाह दी है। जहाँ तक यूपी में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के आए नतीजों का सवाल है तो उपचुनाव में इस बार जिन कारणों से बीएसपी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है वो मैंने 11 मार्च को मीडिया में सही सही बता दिया है और उन कारणों को भी समझकर तब इनको बीएसपी पर कोई टीका टिप्पणी आदि करनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का कार्य करने का तरीका अलग है, उसे हम किसी के भी कहने से बदलने वाले नहीं हैं। चाहे कांग्रेस बोले, चाहे बीजेपी बोले, चाहे सपा बोले, हमारा कार्य करने का तरीका अलग है, उसे हम किसी भी कीमत पर या किसी के कहने से हम बदलने
निकालकर किस्म किस्म के नाटक आदि करते रहते हैं। ये हमारी पार्टी नहीं करती है। इसके साथ ही संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी अचानक उठकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गले चिपक जाते हैं। तो ये सब हमारी पार्टी नाटक नहीं करती है, जिसकी पूरे देश व दुनिया में भी काफ़ी हंसी हुई है। अर्थात ये सब हमारी पार्टी की कार्यशैली नहीं है। इसके साथ साथ यह मैं कांग्रेस को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, कांग्रेस ने पिछला विधानसभा का आम चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था, तो तब ये पार्टी यहाँ बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाई थी। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी जवाब जनता को इनको जरूर देना चाहिए। इसलिए अब संक्षेप में मेरा ये कहना है, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, इनको दूसरी पार्टियों पर कुछ भी कहने से पहले खुद भी अपने गृहवाद में जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो बसपा प्रमुख मायावती को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो सवाल दागे हैं राहुल गांधी पर वो भी आपने सुना, और साथ ही जो सलाह दी है कांग्रेस को वो भी हमने आपको सुनवाया। देखिए सिलसिलेवार तरीके से कल जो भी राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही थी बसपा को लेकर, मायावती को लेकर, उन सभी बातों पर जवाब दिया है मायावती ने। राहुल मुझ पर भाजपा से मिलने का आरोप लगाते हैं, मायावती ने कहा, जो कि गलत है। दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने से पहले वो अपने घर को देखे, जिसके घर खुद शीशे के हो वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, ये भी मायावती ने कहा। और किसी पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, ये मायावती ने कहा है। और मेरी सरकार में कांग्रेस ने केंद्र से कोई मदद नहीं दी, ये भी मायावती ने कहा। राहुल मुझ पर भाजपा से मिलने का आरोप लगाते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। मायावती ने तमाम बड़ी बातों के जरिए ये साफ कर दिया है कि जो भी बातें राहुल गांधी ने कही हैं वो गलत, राहुल का मुझे सीएम बनाने वाला बयान एकदम गलत है, मैं राहुल की बातों का खंडन करती हूँ, मायावती ने कहा है। जो भी कल बातें राहुल गांधी ने कही हैं वो सारी बातें गलत निराधार, ये मायावती ने कही बड़ी बातें, आपको लगातार हम बता रहे हैं। इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, सिलसिलेवार तरीके से चुन चुन करके सारे जवाब दिए हैं मायावती ने, और सलाह भी दी है कांग्रेस को कि अपने घर शीशे के, दूसरे के घरों पर पत्थर ना फेंके। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मायावती को कटघरे में खड़ा किया था कि दलित मामले को लेकर उन्होंने उपेक्षा का भाव रखा है, और जिस तरीके से मायावती कांतीराम को भूल गई हैं, मायावती अंबेडकर को भूल गई हैं, मायावती बहुजन की बात करती हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था दलित का उसे वो भूल गई हैं। तो मायावती ने आज राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला है, और उन्होंने बोला है कि जिस तरह से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मायावती का ये अपना स्टाइल है प्रहार करने का। जब वो किसी पर प्रहार करती हैं और आक्रमण करती हैं तो बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ करती हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया, बोला कि जातिवादी मानसिकता से प्रेरित हैं राहुल गांधी और कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। केवल जो राहुल है दलितों की बात करते हैं, कांग्रेस दलितों की बात करती है, और ऐसे में राहुल का कोई भी बयान सही नहीं है। गठबंधन की बात से भी उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऑफर नहीं आया था, कोई बात नहीं हुई थी, कोई प्रस्ताव नहीं था। राहुल गांधी सार्वजनिक मंच में गलत बयानी कर रहे हैं और कांग्रेस का हाल बुरी तरीके से। ठीक है, ठीक है वीरेश जी, आप रहिएगा हमारे साथ। इसी पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, देखिए कल राहुल गांधी ने जो तमाम बड़ी बातें कही थी उस पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुन लिया होगा। मायावती कह रही है कि खंबानी क्या बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है कांग्रेस की। अब मायावती जी कुछ भी कह सकती हैं, वो स्वतंत्र हैं कहने के लिए, लेकिन पिछले 1.5 साल से अगर दीपा आप देखेंगी तो लगातार आपको मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की घोषित और अघोषित प्रवक्ता के रूप में मिलेंगी। जिस चीज से वो डर रही हैं, कभी चाहे डर रही हूँ चाहे किसी और चीज से डर रही हूँ, सच बात यह है कि वो सच का साथ देने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने दलित वोटों के साथ और दलित हितों के साथ समझौता किया है, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर करने में मदद की है, ये तो इस चुनाव ने उत्तर प्रदेश के स्पष्ट कर दिया है। और मायावती जी कुछ भी कहें, लेकिन एक चीज तो तय है कि दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है मायावती जी से टूटा है,
इस बात को कैसे डिनाई कर सकती है, कैसे डिनाई कर सकती है कि 22% की जगह उनका 12% वोट रह गया। तो इन सारी बातों को लेकर के कोई अर्थ नहीं है मायावती जी के डिनाइल का। और रही बात खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने की, तो बात सच है कि मायावती जी खिसियानी बिल्ली के रूप में है और खंभा भी नोच रही। ठीक है, शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी हमसे बातचीत के लिए भी। और आपने एक बार फिर से कहा कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ वो सबने देखा, यूपी की जनता ने भी देखा और वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसी पर विदेशी भी लगातार बने हुए हैं। विदेशी देखिए, सुरेंद्र जी भी नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मायावती की तो यही एक पूरी रणनीति रही है, वो यही करती है हर चुनाव में, और वही उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में भी किया, इसमें अलग क्या है? दोनों ने एक ही काम किया, दोनों ने गठबंधन नहीं किया, दोनों बयानबाजी कर रहे हैं, दोनों को जनता ने रिजल्ट दे दिया, एक को 2 दे दिया, एक को 1 दे दिया, और अब इससे नीचे कहाँ जाएंगे, 0 जाएंगे। 2014 में लोकसभा में 0 आई थी बसपा, तो ऐसे में जो स्थिति है इन दोनों लोगों को अपने में विचार करना चाहिए, तूतू-मैं-मैं की राजनीति से दूर होके जमीन पर राजनीति करनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जनता बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की, और ऐसे में इनको सबक मिल चुका है। और आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बयानबाजी करके, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो और अच्छा है, सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए कोई विरोध ही नहीं, और ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जब विरोधी आपस में ही लड़ेंगे तो सत्ता दल की जो लोक कल्याणकारी नीतियां नहीं होंगी उनके खिलाफ मोर्चा कौन बनाएगा? तो विपक्ष आपस में बटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रही है और आगे भी बढ़ रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से घेरने वाला कोई है ही नहीं। जब विपक्ष आपस में ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालेगा तो ये सत्ताधारी दल के लिए बड़ा शुभ होता है, सुखद होता है। और सुरेंद्र राजपूत कुछ कहें, मायावती कुछ कहें, राहुल गांधी कुछ कहें, पहले ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखें, पार्टी को जमीन स्तर पर लड़ाएं, समीक्षा करें कि आखिर क्यों इतनी गर्त में चली गई पार्टियां। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती का जो आज आक्रमण था, जाहिर सी बात है जब मायावती पर आरोप लगाएंगे राहुल गांधी, पार्टी के अपने सबसे बड़े नेता हैं, तो ऐसे में मायावती को सामने आना होगा। और मायावती किसी का उधार नहीं रखती है, मायावती पर कोई भी हमला अगर करे तो मायावती 2x4 करके देती हैं, बढ़ा चढ़ा कर देती हैं। तो मायावती की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी स्वाभाविक थी। जो मायावती की राजनीति को जानता है वो ये जानता है कि मायावती किसी भी चीज की प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करती हैं अगर उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है तो, और मायावती ने वही किया है जो आज तक करती रही है। और अब आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या बड़ी बातें कही थी और उनका जवाब मायावती ने किस तरीके से दिया है, दोनों ही बयान आप सुन लीजिए। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी के मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है तो उससे इस पार्टी के विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में। कैसे बदमाशों पर खाकी का कहर टूटा है, इसकी 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा की आपके स्क्रीन पर है, यहाँ के थाना एतमादपुर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, यहाँ भी पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को धर दबोचा। और तीसरी तस्वीर है कासगंज की,
जहां 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बदमाश पर 5 जिलों में 23 मुकदमे दर्ज हैं, ऐसी जानकारी है। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में बदमाशों की खैर नहीं है, या आप कह सकते हैं ये तस्दीक कर रही हैं 3 तस्वीरें। अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से बदमाशों की शामत आ गई है उत्तर प्रदेश में, वो आप देखिए। आगरा, मुजफ्फरनगर, कासगंज में बदमाशों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, और फिर अलग अलग जगहों से बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे होगी लगातार पूछताछ, और साथ ही उनके और भी साथी जो एक्टिव हैं अलग अलग हिस्सों में, उन तक भी पहुँचा जाएगा, उनको भी दबोचा जाएगा, पुलिस का कहना।